बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर और ट्यूटर सर महमूद अहमद। तो हम लोगों ने आज सबक नंबर 2 होमियोस्टेसिस का मौजू पौधों में होमियोस्टेसिस पढ़ना है। तो चलते हैं फिर अपने टॉपिक की तरफ। जैसा कि पिछले लेक्चर में बयान कर चुका हूं कि जो होमियोस्टेसिस है उसका मतलब है कि अंदरूनी माहौल को बरकरार रखना, बैरूनी माहौल की निस्बत अंदरूनी माहौल को बरकरार रखना। यानी कि बैरूनी माहौल में कुछ भी तब्दीलियाँ आती हैं उससे उसकी वजह से अंदरूनी माहौल में कोई असर ना पड़े, इसलिए उसको बरकरार रखना, यानी जैसा वो है उसको वैसा ही रखना, तो उसको हम होमियोस्टेसिस कहते हैं। ये तो हमें पता है कि हम लोग होमियोस्टेसिस किस तरह से कर लेते हैं, जिसे अभी बयान किया था मैंने पिछले लेक्चर में कि किसी को अगर बुखार या बैरूनी जो माहौल है वो 37 डिग्री दर्जा हरारत से ज़्यादा हो गया और हमारा जो अंदरूनी दर्जा हरारत है अंदरूनी माहौल का वो 37 डिग्री दर्जा हरारत रहना चाहिए, क्योंकि वो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ऑप्टिमम दर्जा हरारत है। तो इसलिए उसको बरकरार रखने के लिए हम क्या करते हैं कि ठंडी चीज़ें खाते हैं, ठंडी गज़ा का इस्तेमाल करते हैं या ठंडी जगह पे रहते हैं। उसके अलावा बॉडी जो है वो स्वेट यानी कि पसीना निकालती है ताकि हमें जो है वो ठंडक रहे, जिसकी वजह से हमारा जो दर्जा हरारत है वो बरकरार रहता है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा मौजू है, वो है पौधों में होमियोस्टेसिस, ना कि इंसानों में। तो हम पौधों की अगर बात करें, अब ये हमें थोड़ा सा आपके साथ इंसानों के हवाले से डिस्कस करने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको ये चीज़ इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए कि जो पौधे हैं उनमें क्या होता है, क्योंकि इंसानों का तो एक बिल्कुल डिफरेंट एक मुख्तलिफ अमल है। तो पौधे होमियोस्टेसिस किस तरह करते हैं, तो जो पौधे हैं वो भी होमियोस्टेसिस करते हैं, यानी कि वो भी बैरूनी माहौल में तब्दीलियों के बाईस अंदरूनी माहौल को बरकरार रखते हैं, यानी कि उसका असर नहीं होने देते, क्योंकि वो भी एक जानदार है। किस तरह से कि पौधे माहौल में होने वाली तब्दीलियों पर रद्दे अमल दिखाते हैं और अपने अंदरूनी हालात को मुस्तकिल रखते हैं, इस सलाहियत को हम होमियोस्टेसिस कहते हैं। पानी और दूसरे कीमियाई मादों यानी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मादों की होमियोस्टेसिस के लिए पौधे मुख्तलिफ तरीके का इस्तेमाल करते हैं या इख्तियार करते हैं। तो उनमें से चंद एक दर्ज है, कौन कौन से, फालतू कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को निकालना, फालतू पानी को निकालना, मेटाबॉलिज्म के दूसरे मादों को निकालना और पौधों में ऑस्मोटिक यानी पानी और नमकियात के लिए मुताबकतें। जी हाँ, जो पौधों में ऑस्मोटिक मुताबकतें हैं वो भी होमियोस्टेसिस का ही एक हिस्सा है कि किस तरीके से कौन सा पौधा किस तरह से रद्दे अमल दिखाता है, इसमें हम ये पढ़ेंगे। उससे पहले अब मैं दोबारा रिपीट कर दूं, 4 पॉइंट्स हैं, फालतू कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को निकालना, फालतू पानी को निकालना, नंबर 3 मेटाबॉलिज्म के दूसरे मादों को निकालना और नंबर 4 पौधों में ऑस्मोटिक मुताबकत है। तो फालतू कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को निकालना जो है पहला पॉइंट, उस पर बात कर लेते हैं कि आपको पता है कि जो पौधे हैं वो दो तरह के अमल करते हैं, एक फोटोसिंथेसिस और दूसरा सेलुलर रेस्पिरेशन। जो फोटोसिंथेसिस है वो दिन के वक्त करते हैं सूरज की रोशनी की मौजूदगी में, उसकी आपको जो है वो इक्वेशन भी याद होगी कि सूरज की रोशनी की मौजूदगी में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को और पानी को इस्तेमाल करके अपनी खुराक यानी ग्लूकोज C6H12O6 बना देते हैं और उसके साथ बाई प्रोडक्ट बन जाता है ऑक्सीजन। तो ये है फोटोसिंथेसिस का अमल, जिसमें पौधा अपनी खुराक इस्तेमाल करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करता है ताकि वो उसको खुराक बना सके और उसके नतीजे में बनने वाली जो चीज है वो है ऑक्सीजन, जो कि जिसकी उसे जरूरत नहीं है और वो माहौल में दाखिल कर देता है यानी अपने अंदर से निकाल देता है। तो अब यहां पर उस फोटोसिंथेसिस को हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल हो रही है, फिर
फिर ये फालतू मादा कैसे बन गई? यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हमें समझ आता है कि ऑक्सीजन जो है वो क्योंकि बाय प्रोडक्ट बन रही है जिसकी उसे जरूरत नहीं है और वो उसके लिए वेस्ट प्रोडक्ट यानी कि एक फाजिल मादा फालतू मादा है, तो इसलिए वो उसे निकाल देगा। स्टोमेटा के जरिए निकाल देता है जो कि पत्ती की सतह पर मौजूद छोटे छोटे सुराख होते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह फालतू हो जाती है। तो दूसरा जो इसका प्रोसेस यानी कि अमल है जो पौधा करता है रात के वक्त बिना सूरज की रोशनी में, यानी कि सूरज की रोशनी की गैर मौजूदगी में जब ये अमल यानी रात के वक्त जो होता है रेस्पिरेशन, अगर हम उस पर नजर डालें क्योंकि वो बिल्कुल ऑपोजिट है मुखालिफ है फोटोसिंथेसिस के, तो उसमें क्या है फोटोसिंथेसिस में हमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होती है, पानी इस्तेमाल होता है और खुराक ग्लूकोज बन जाती है और साथ में ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट बन जाती है। अब अगर रेस्पिरेशन में बात करें तो बिल्कुल उलट हो जाता है फोटोसिंथेसिस का, यानी कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन तोड़ फोड़ होती है ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हुए। जी, जो पहले बाय प्रोडक्ट यानी कि फाजिल मवाद बन रही थी अब उसी को इस्तेमाल करके खुराक को तोड़ा जाता है, ग्लूकोज को तोड़ दिया जाता है और उसे बना उसकी जो है हिस्से बना देते हैं पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत बिल्कुल नहीं है तो इसलिए यह अब फाजिल मादा यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट या वेस्ट मटेरियल बन गई है जिसके पौधे को उस वक्त उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसलिए वो उसे स्टोमेटा के जरिए बाहर निकाल देता है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। इसकी अभी हम रीडिंग भी करेंगे, इसके बाद अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि है फालतू पानी को निकालना। अब यहां भी आप फोटोसिंथेसिस को जहन में रखें और रेस्पिरेशन को। अब यहां भी क्या है, हमें पता है कि पौधे जो है वो पानी से जो पानी है वो जमीन से हासिल करते हैं, यानी कि वो जमीन से पानी को जस्ट करते हैं और अपने पत्तों तक पहुंचाते हैं ताकि वो टर्जिडिटी यानी कि तनाव पैदा कर सकें जिससे पौधे अकड़े रहते हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी में जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं पानी को इस्तेमाल करते हैं तो जो कुछ पानी होता है वो आबी बुखारात की शक्ल में निकल भी जाता है जिसे ट्रांसपिरेशन करते हैं। तो इसलिए इस तरह से जो एक्सेसिव वाटर है यानी कि ज्यादा पानी है वो ट्रांसपिरेशन के जरिए पत्ते के स्टोमेटा से निकाल दिया जाता है, तो इस तरह से फालतू पानी का भी इखराज हो जाता है। अब यहाँ पे एक चीज और गौर करने वाली है कि जो फालतू पानी है वो है आता कहाँ से? जी, तो बाद आपको भी पता है कि पानी ज्यादा दे दिया जाता है पौधों को तो इस वजह से वो फिर ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन करते हैं और फिर जो है वो पानी ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपिरेशन के जरिए निकल जाता है। उसके अलावा अगर टेम्परेचर की बात करें कि रोशनी अगर सूरज की तेज है यानी कि हरारत ज्यादा है तो भी ट्रांसपिरेशन का अमल ज्यादा होगा यानी पानी ज्यादा से ज्यादा निकल जाएगा आदमी को शराब के जरिए। इस तरह से फालतू बर्बाद पानी का इखराज हो जाता है। अब यहाँ पे आपके बुक में दो पॉइंट्स कहेंगे, एक तो ट्रांसपिरेशन आ गया और दूसरा है इरिटेशन। ट्रांसपिरेशन क्या है? ट्रांसपिरेशन से मुराद पौधे की सतह से पानी का बुखारात बनकर निकलना है। गुटेशन पत्तों के किनारों पर पानी के कतरे बनने के अमल को गुटेशन कहते हैं। जी, कुछ ऐसे पौधे भी मौजूद हैं खासतौर पर ग्रासेस यानी कि घास वगैरह, उसमें क्या होता है कि उनके किनारों पर छोटे छोटे सुराख मौजूद होते हैं ऐसे कि वो वहां से वो अपना एक्सेसिव वाटर इजाफी पानी जो है वो निकाल देते हैं कतरों की सूरत में। अगर हम सुबह के वक्त देखें या रात के वक्त भी गौर करें तो वहां पे किनारों पे थोड़ा थोड़ा सा जो है वो पानी मौजूद होगा कतरों की सूरत में, तो उस अमल को गुटेशन कहते हैं। अब यहाँ एक चीज और गौर करने वाली है, ड्यू यानी कि शबनम। शबनम और गुटेशन, बास लोग ये सोचते हैं कि जो शबनम और गुटेशन है वो सेम है, एक ही अमल है, क्योंकि वो भी पानी के कतरे होते हैं पत्तों पर और गुटेशन भी जो है वो पत्तों पर पानी के कतरे हैं, लेकिन दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। जो शबनम है यानी ड्यू जो है वो है जो माहौल में मौजूद पानी है बुखारात की शक्ल में वो पत्तों पे ठंडा होकर गिर जाता है। खास तौर पे सर्दियों के वक्त, सर्दियों में आपको बहुत से ये अमल शबनम का मिलेगा, बहुत से पत्तों पे बहुत
रोटेशन है वो पौधे ही जो इजाफी पानी है उसको किनारों के पे मौजूद सुराख के जरिए बाहर निकाल देते हैं। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, इसकी भी हम रीडिंग करेंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है मेटाबॉलिज्म के दूसरे मादों को निकालना। अब जो मेटाबॉलिज्म के दूसरे मादे हैं उनमें क्या चीजें शामिल है, उनमें नाइट्रोजिनस बेस यानी कि नाइट्रोजन मवाद शामिल है जो जिसकी वजह से पौधे को नुकसान भी हो सकता है। ऐसा जो है वो नुकसान के मवाद जो मेटाबॉलिज्म के वक्त बन जाए और पौधे में अगर रह जाए तो वो उसको नुकसान पहुंचा सकता है यानी कि उसकी जिंदगी के लिए खतरा बन सकता है। उनमें से एक बड़ी ही अहम मिसाल कैल्शियम ऑक्सलेट भी है। अब वो क्या चीज है कि वो भी एक मेटाबॉलिक वेस्ट नाइट्रोजिनस वेस्ट है जो कि अक्सर टमाटर में बहुत ज्यादा पाया जाता है और ये मेटाबॉलिज्म के नतीजे में बनने वाला फाजिल मवाद है। ये क्रिस्टल्स की शक्ल में बन जाता है और उस पौधे में उसके फल में या उसके पत्तों में आके स्टोर होना शुरू हो जाता है। अब इससे छुटकारा किस तरह पाया जाए, क्योंकि अगर हम अपनी बात करें इंसानों की या दूसरे जानवरों की बात करें तो उनमें एक एक्सक्रीटरी सिस्टम है जिसके जरिए वो एक्सक्रीट आउट यानी कि निकाल सकते हैं, जबकि पौधे तो उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है तो वो इसको किस तरह से निकालेंगे। तो पौधा जो है वो इस सारे मेटाबॉलिक वेस्ट को या तो अपने पत्तों में स्टोर कर लेता है ताकि ईयरली यानी कि सालाना जब भी पत्ते झड़ते हैं मौसम खजान है तो वो उन पत्तों से जिसमें मेटाबॉलिक वेस्ट है मेटाबॉलिक जो है वो मवाद मौजूद है मेटाबॉलिज्म का नुकसान मवाद मौजूद है और उसने उन पत्तों में स्टोर कर लिया है उसको सालाना वो झाड़ देते हैं यानी कि अपने पास से उतार देते हैं, खास तौर पर पतझड़ के मौसम में या खजान के मौसम में। तो इस तरह से वो पौधे भी अपना जो मेटाबॉलिक वेस्ट है मवाद है मेटाबॉलिज्म का उसे जान छुड़वा देते हैं और उसे अपने पास से गिरा देते हैं। या फिर जो बड़े पौधे हैं जैसे दरख्त वगैरह हैं उनमें भी यही प्रोसेस है कि पत्तों के जरिए होता है, लेकिन कुछ जो है वो अपने बार्क में स्टोर करना शुरू कर देते हैं जो कॉर्ड भी कहलाते हैं या हार्ट कहलाते हैं। आपने देखा होगा अक्सर जब दरख्त काटे जाते हैं तो बीच में एक डार्क ब्राउन तेज भूरे से कलर का जो है वो हिस्सा मौजूद होता है लकड़ी का, तो वो जो है मेटाबॉलिक वेस्ट होता है जो जमा हो रहा होता है वहां पे। तो इस तरीके से वो अपना जान छुड़वा लेते हैं उनको बाहर निकाल के। फिर चौथी चीज है पौधों में ऑस्मोटिक मुताबिकतें। अब यहां पे जो पौधों की अगर हम बात करें क्योंकि हम इसकी मुताबिकतें उसी वक्त ज्यादा बेहतर तरीके से जो है वो पढ़ सकते हैं या समझ सकते हैं जब हमें ये पता हो कि पौधे हैं किस तरह के कहां कहां रहते हैं या पाए जाते हैं। तो देखिए तीन तरह के पौधे ज्यादातर पाए जाते हैं। एक वो जो बिल्कुल खुश्की में यानी कि सहराई इलाकों में पाए जाए और दूसरे वो जो पानी में पाए जाए और तीसरे उस तरह के जो पानी के अंदर पाए जाए। तो ये तीन तरह के पौधे आपके निसाब में भी शामिल हैं। एक हाइड्रोफाइट्स जो पानी में पानी के ऊपर पाए जाते हैं, दूसरे ज़ीरोफाइट जो सहराई इलाकों में पाए जाते हैं और तीसरे हेलोफाइट्स जो पानी के अंदर सतह समंदर में पाए जाते हैं। हाइड्रोफाइट्स की अगर बात करें तो हाइड्रोफाइट्स वो पौधे हैं जो या तो मुकम्मल तौर पर पानी के ऊपर पाए जाते हैं कि उनकी जड़ें जो है वो पानी में मौजूद होती हैं या पार्शली यानी कि आधे, मतलब अगर ऐसी जमीन के पास है जो पानी के बिल्कुल करीब है जहां पानी की पावर मिलता मौजूद है। तो इस तरह के पौधों की मिसाल जो है वो लिली है, लोटस भी है, वाटर लिली और लोटस जो है वो एक बड़ी अहम और जालीमंद मिसालें हैं इस तरह के पौधों की जो कि पानी के ऊपर पाए जाते हैं। इनके पत्ते बड़े होते हैं ताकि
और उसमें स्टोमेटा भी ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इनका डायरेक्ट ताल्लुक है पानी के साथ, तो पानी ज्यादा से ज्यादा निकलेगा ट्रांसपिरेशन के जरिए। इस तरह से ना इनको किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता। तो पानी ज्यादा होने की वजह से ज्यादा निकालने के लिए इनके पत्ते बड़े होते हैं ताकि सरफेस एरिया ज्यादा हो जाए और उसमें स्टोमेटा ज्यादा मौजूद होते हैं ताकि ज्यादा ट्रांसपिरेशन हो सके। फिर दूसरे किस्म के ज़ीरोफाइट्स जो पौधे हैं जो बिल्कुल सहराई इलाकों में पाए जाते हैं, ऐसे इलाकों में जहाँ पानी बहुत बहुत कम होता है या बारिशों के जो है दम पर वहाँ पानी मौजूद होता है जरा, और बारिशें भी उधर सालों साल नहीं होती, बहुत सैकड़ों सालों बाद जो उधर बारिश होती है। तो इस तरह के पौधों की मिसालें कैक्टस या एलोवेरा है। और इस तरह के पौधों में पत्ते नहीं होते, बल्कि अगर मैं कहूँ कि पत्ते होते हैं तो वो इस तरह है कि बहुत छोटे थॉर्न लाइक, यानी कि कांटों की सूरत में वो उसके पत्ते मौजूद होते हैं, बहुत ही थिक होते हैं यानी कि मोटे होते हैं और छोटे होते हैं और उसमें स्टोमेटा ना होने के बराबर है ताकि ट्रांसपिरेशन ज़्यादा ना हो। और ऐसे पौधे पानी एब्जॉर्ब करते हैं, जितना उन्हें पानी मिले उतना वो ज़मीन से पानी एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं थोड़ा 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 करके और अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं उसको जेली लाइक बना के, यानी कि उसको सेमी सॉलिड नीम ठोस बना के उसको स्टोर कर लेते हैं अपने पास ताकि एक लंबे अरसे तक उनको उस पानी को इस्तेमाल करते रहे और उनको किसी चीज़ किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तीसरी किस्म के पौधे वो पौधे हैं जो सतह समुद्र में पाए जाते हैं जिन्हें हम हेलोफाइट्स कहते हैं। ऐसे पौधे क्योंकि समुद्र में मौजूद हैं और समुद्री पानी खारा होता है, इनके नमक की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसे पौधे जो है वो समुद्र में पाए जाते हैं और उनमें भी वो पानी एब्जॉर्ब करते हैं वही जो समुद्र का है और उसको उसी तरीके से बाहर निकाल देते हैं स्टोमेटा के जरिए। तो इनमें भी जो है वो ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिसकी वजह से यानी कि वो ताकतें हैं कुछ ऐसी जो उनको किसी भी परेशानी या मुश्किल से बचाती हैं। आई होप कि आपको ये पूरा टॉपिक समझ आ गया होगा। तो अब इसकी रीडिंग कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में और चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। जी तो बच्चों रीडिंग करते हैं। पौधों में होमियोस्टेसिस, पौधे माहौल में होने वाली तब्दीलियों पर रद्द अमल दिखाते हैं और अपने अंदरूनी हालात को मुस्तकिल रखते हैं। इस सलाहियत को हम होमियोस्टेसिस कहते हैं। पानी और दूसरे कीमियाई मादों ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजीनी मादों वगैरह की होमियोस्टेसिस के लिए पौधे मुख्तलिफ तरीक़ेकार अख्तियार करते हैं। फालतू कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को निकालना। दिन के वक्त सेलुलर रेस्पिरेशन में बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो जाती है और इस तरह ये कोई फालतू या बेकार मादा नहीं होती। रात के वक्त ये फालतू होती है क्योंकि इसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा होता। टिश्यूज़ के सेल्स से इसे नफूस के ज़रिए बाहर निकाला जाता है। पत्तों और नए तनों से कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के ज़रिए बाहर निकल जाती है। नई जड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड इनकी सतह ख़ास तौर पर रूट हेयर्स से बाहर नफूस कर जाती है। नफूस यानी डिफ्यूजन का अमल। मेसोफिल सेल्स में ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के बाई प्रोडक्ट के तौर पर सिर्फ दिन के वक्त बनती है। सेलुलर रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर लेने के बाद मेसोफिल सेल्स इसकी फालतू मिकदार स्टोमेटा के ज़रिए खारिज कर देते हैं। दूसरा पॉइंट है फालतू पानी को निकालना। हम जानते हैं कि पौधे ज़मीन से पानी हासिल करते हैं और ये इनके जिस्म में सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान भी बनता है। जब सेलुलर रेस्पिरेशन होती है यानी ग्लूकोज को C6H12O6 को तोड़ा जाता है ऑक्सीजन इस्तेमाल करके, तो उसके नतीजे में बनने वाली दो चीज़ें होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। तो इसलिए यहाँ पे उन्होंने ज़िक्र किया है कि रेस्पिरेशन के दौरान भी जो है वो पानी बनता है पौधों में। पानी की बड़ी मिकदार को पौधे अपने सेल्स में सख्ती यानी टर्जिडिटी के लिए ज़खीरा कर लेते हैं। फालतू पानी को पौधे के जिस्म से
ट्रांसपायरेशन के ज़रिए निकाल दिया जाता है। रात के वक्त आमतौर पर ट्रांसपायरेशन नहीं होती क्योंकि ज़्यादातर पौधों के स्टोमेटा उस वक्त बंद होते हैं। अगर मिट्टी में पानी की मिकदार ज़्यादा हो तो पानी जड़ों में दाखिल होता है और जाइलम नालियों में जमा हो जाता है। कुछ पौधे जैसे कि घास इस पानी को अपने पत्तों की नोक या किनारों पर मौजूद मखसूस सुराखों के ज़रिए बाहर निकाल देते हैं। इस तरह इनके पत्तों के किनारों पर कतरे बनते हैं और इस अमल को गुटेशन कहते हैं। मेटाबॉलिज्म के दूसरे बेकार मातों को निकालना। मेटाबॉलिज्म के बहुत से बेकार मातों को पौधे अपने जिस्म में गैर नुकसानदेह गैर हल पज़ीर मादों के तौर पर ज़खीरा कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर कई पौधे मसलन टमाटर कैल्शियम ऑक्सलेट को कलमों की शक्ल में अपने पत्तों और तनों में जमा कर लेते हैं। कलमों यानी क्रिस्टल्स की शक्ल में ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये जो हैं वो कैल्शियम ऑक्सलेट की नीडल्स हैं, सिलाइयाँ हैं, ये क्रिस्टल्स फॉर्म में हैं। पत्ते गिराने वाले दरख्तों में जिस्म से फासद मादे हर साल पत्ते गिरने के दौरान निकाले जाते हैं। चंद एक पौधे दूसरे बेकार मादे भी निकालते हैं। ऐसे बेकार मादों की कई इकसाम होती हैं, मसलन रेजन्स जो कॉनिफर के दरख्तों से निकलता है, गम्स जो कीकर के दरख्तों से निकलते हैं, लेटेक्स जो रबड़ के पौधों से निकलता है, और म्यूसिलेज जो कार्निवर पौधों और भिंडी तोरी से निकलता है। स्टूडेंट्स ये चंद एक मिसालें हैं, कुछ दरख्त दिखाए गए हैं जिसमें जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो निकाल रहे हैं। ये रीजन्स का अखराज दिखा रहे हैं और ये लेटेक्स का जो रबड़ के पौधे से निकाल रहा है, और ये म्यूसिलेज है जो कि एक फ्लावर है सन ड्यू उसमें से निकलता हुआ दिखाया जा रहा है। तो चौथा पॉइंट है पौधों में ऑस्मोटिक यानी पानी और नमकियात के लिए मुताबकतें, दी ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स इन प्लांट। पानी और नमकियात की दस्तियाब मकदार के लिहाज से पौधों को तीन ग्रोहों में तकसीम किया जाता है, हाइड्रोफाइट्स, ज़ीरोफाइट्स और हेलोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स ऐसे पौधे हैं जो मुकम्मल या जुज़वी तौर पर ताज़ा पानी में डूबे होते हैं। ऐसे पौधों को पानी की कमी का के मसले का सामना नहीं होता। इन पौधों ने ऐसे तरीके अख्तियार किए होते हैं जिनसे ये अपने सेल्स से फालतू पानी निकाल सकते हैं। हाइड्रोफाइट्स के पत्ते चौड़े होते हैं जिनकी बालाई सतहों पर ज़्यादा तादाद में स्टोमेटा पाए जाते हैं। ये खासियत इनको जिस्म से पानी की फालतू मकदार निकालने में मदद देती है। ऐसे पौधों की एक आम मिसाल कंवल यानी वाटर लिली है। दूसरा ग्रोह है ज़ीरोफाइट्स। ज़ीरोफाइट्स खुश्क माहौल में रहने वाले पौधे हैं। अंदरूनी टिश्यूज से पानी के ज़िया को रोकने के लिए इनकी एपिडर्मस पर एक मोटी और मोम की तरह की क्यूटिकल वैक्सिक्यूटिकल मौजूद होती है। ट्रांसपायरेशन की रफ्तार कम रखने की खातिर इनके पास स्टोमेटा तादाद में कम होते हैं। मिट्टी से ज़्यादा पानी जज्ब करने की खातिर इन पौधों की जड़ें बहुत गहरी होती हैं। चंद ज़ीरोफाइट्स की जड़ों या तनों में मखसूस पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं जिनमें वो पानी की बड़ी मकदार को ज़खीरा कर लेते हैं। इससे इनकी जड़ें या तने गीले और रस भरे हो जाते हैं। ऐसे ऑर्गन्स को गूदेदार यानी के सक्यूलेंट ऑर्गन्स कहते हैं। कैक्टाई वाहिद कैक्टस के पौधे इनकी आम मिसालें हैं। तीसरा ग्रोह है हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स समुद्री पानियों में रहते हैं और ज़्यादा नमकियात वाले माहौल के लिए मुताबकत रखते हैं। समंदर के पानी में नमकियात के ज़्यादा इर्तकाज की वजह से ऐसे पौधों के जिस्म में नमकियात दाखिल होते हैं। दूसरी तरफ इनके सेल्स का पानी समंदर के हाइपरटॉनिक पानी में जाने
का रुझान रखता है। जब नमकियात इनके सेल्स में दाखिल होते हैं तो ये पौधे नमकियात की बड़ी मकदारों को अपने वैक्यूज में ले जाने और वहीं रखने के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं। नमकियात को वैक्यूल्स की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से गुजर कर बाहर नहीं जाने दिया जाता। इस वजह से वैक्यूल्स का अंदरूनी मवाद यानी सैप समंदरी पानी से भी ज़्यादा हाइपरटॉनिक हो जाता है। इस तरह पानी सेल से बाहर नहीं निकलता। समंदरी घास के कई पौधे इस ग्रोह की मिसाल हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीनों ग्रोह की पौधों की मिसालें दिखाई हुई हैं। पिक्स हैं, ये वाटर लिली है जिसे हम कमल का फूल भी कहते हैं। इसके पत्ते आप देख सकते हैं कितने बड़े और चौड़े हैं और इस पर स्टोमेटा की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी तरफ ये हेलोफाइट्स हैं जो समंदरी पानी में रहते हैं, समंदरी घास वगैरह। और तीसरी तरफ ये ज़ीरोफाइट्स हैं, कैक्टस वगैरह, जो कि खुश्क माहौल में यानी कि सहराई इलाकों में रहते हैं जहाँ पानी की बहुत कमी होती है। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द सफाई रखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और वॉच करें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।